सो गाइस देखो जो मिनी है ना हमारी बिल्कुल उसकी सेम शक्ल की है ये देखो। सो गाइस स्प्रेड्स के लिए देखो ये डोनट्स। गाइस ये देखो कितना वेल मैनेज्ड है भाई। ये देखो बीगल बच्चा भाई पापा ने उठा लिया इसे। पापा के साथ कितना खुशी हो रहा है। गाइस ये देखो कितनी प्यारी किटन है यहाँ पे भाई। ये देखो यहाँ का सबसे बेस्ट डॉग बता रहे हैं ये लोग। तो भाई आज हम आ गए थे दिल्ली और यहाँ पे बहुत बड़ा पेट फेयर डॉग शो। तो डॉग शो नहीं पेट फेयर है, वो पेट फेयर में सारे पेट्स आते हैं। तो आज मैं और पापा साथ में आते हैं। अभी बाकी गेट नंबर 1 से एंट्री है तो गेट नंबर 1 से एंट्री लेके अंदर चलते हैं, दिखाते हैं फिर कैसा है। ये रहा भाई पास, ये देखो बैग रखते हैं इधर। चलो अंदर एंटर हुआ है। तो गाइस अंदर एंटर हो गए थे, अब इधर वाले काउंटर से अंदर जाएंगे। बहुत बड़ा ये पेट एक्सपो बना रखा है इस बार। मुंबई से भी अच्छा लग रहा है मेरे को। मुंबई में हुआ था वो भी बहुत बड़ा था, बाकी दिल्ली में भी इस बार बहुत बड़ा शूट और काफी सारे डॉग्स अभी तो हम लोग को रास्ते में दिख भी गए हैं। बाकी अंदर जाके देखते हैं, बहुत अच्छा बनाया है इस बार तो। ये देखो भाई डॉग्स तो ऐसे ही बैठे हुए हैं हर जगह। शेड ज़ू भाई, पुलिस डॉग है ये देखो भाई। अभी स्कैनर लगा हुआ है इधर, स्कैन करके फिर अपना वो अंदर जा सकते हैं। इधर फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फिर वो कार्ड मिलेगा, फिर अंदर जा सकते हैं। तो भाई विजिटर पास वगैरह सब मिल गए थे, उधर पापा को भी मिल गए। क्यों मिल गया सारा कुछ? हाँ मिल गया। अच्छा टैग भी पहन लिया। चलो मेरे को भी टैग पहना दो मेरे को। बांधो पापा राखी बांधो। गाइस आज पाजी नहीं आ पाए, पाजी बिजी हो गए थे। अब पाजी को कह रहे हो मैं कल आऊंगा यहाँ पे, मेरे को भी लेके चलना कल यहाँ पे। शायद हम लोग एक दिन रुके, अगर बहुत बड़ा हुआ तो एक दिन रुक जाएंगे यहाँ पे। चलो भाई अंदर चलते हैं अभी, यहाँ से चालू है ना। क्यों एंट्री यही तो है। अरे भाई अंदर से तो बहुत बढ़िया बना रखा है। कहाँ लगे हुए? अच्छा वो तो डोबरमैन है। नाइस यार। अरे पापा लोगों को ये तो बताओ, अपने सुल्तान परमानेंट नहीं दिया? सब परमानेंट समझ रहे हैं। नहीं 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 परमानेंट नहीं दिया। हाँ जस्ट गोइंग फॉर ट्रेनिंग ओनली भाई, वो ना सिर्फ ट्रेनिंग के लिए गया है। सब लोग ना परमानेंट मत समझो, सब लोग इमोशनल हो गए परमानेंट समझ के। मैं तो कुछ दिनों के लिए दिया तब भी इमोशनल हो रहा था, बाकी परमानेंट नहीं गया भाई वो। सब लोग समझ लो परमानेंट गया है। बाकी यहाँ पे जो गाइस जर्मन शेफर्ड का पप्पी लेंगे ना, मैंने सिलेक्ट कर लिया और लॉन्ग कोट का है वो। बाकी आप लोगों को अभी नहीं दिखाऊंगा, फर्दर दिखाऊंगा जब वो लेने जाने वाला हूँ ना, उससे थोड़े दिन पहले आपको इमेज दिखाऊंगा। बाकी मैनेजमेंट तो बहुत ही अच्छा है यार। ये वाला सेक्शन सबसे ज्यादा चमक रहा है गाइस। इसमें फिश वाला भी है। अभी पता नहीं ये वाले हम कौन से में जा रहे हैं, ये गवर्नमेंट ट्रीट्स का है शायद से ये। ये देखो भाई पूरा एसी वेंटिलेशन हर चीज बढ़िया है। इंटरनेशनल शो है ये, आपको काफी तो फॉरनर्स ही दिख जाएंगे यहाँ पे जो अपनी बाहर के प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेचने को लाए हुए हैं। ये देखो नीचे देखो, लेब्रा यार। ऐसे डॉग ले आते काश हम, पापा सुल्तान को ले आते यार। हाँ ये तो बात है। अरे जब वो अभी अपना जर्मन लेंगे ना पप्पी, उसे लेके आएंगे ऐसी डॉग शो में। बाहर कहीं पे हुआ तब भी लेके जाएंगे, अब तो होने लगेंगे डॉग शो, सीजन चालू हो गया। ये देखो बेड्स कितने प्यारे प्यारे हैं। सो गाइस यहाँ पे इनकी शॉप है जो इन्होंने स्टॉल लगाया है। ये केनाइन मेडिसिन, केनाइन जॉइंट्स वगैरह के लिए जो होती है ना, डॉग्स के जॉइंट्स वगैरह को जो डिप्लेशिया वगैरह हो जाता है, मेनली जर्मन शेफर्ड्स एंड ऑल बिग ब्रीड्स में, तो उसके लिए ये है। मेडिसिन वगैरह का भी कॉर्नर लगा रखा है इन्होंने। आप बता रहे थे जेनरे के आपके पास? Yes, we have a generic of Brevecto. Our product is equivalent to the Brevecto products, and it's a highly palatable. It's based on platform technology product, and it has the same safety, same efficacy, everything like Brevecto. So mainly, it's at the all quality of the original top one, and it's half the price like generic. Yes, okay. Yes. So guys, आप check कर सकते हो, ये है। So guys, ये card है। ये आप अगर किसी बात पे German Shepherd वगैरह हो, तो you can contact easily. सो गाइस देखो जो मिनी है ना हमारी, बिल्कुल उसकी सेम शक्ल की है ये देखो। मिनी के लिए भी डॉग फूड आता है। वाओ डॉग फूड मतलब वो गिनी पिग फूड, उसका नाम तो डॉग नहीं है। नाइस यार, इतनी छोटी छोटी ब्रीड्स के लिए, रैबिट्स के लिए, एडल्ट रैबिट, मिनी रैबिट, जूनियर रैबिट, हर चीज के लिए है। सो ये वीगन है क्या? दीज ऑल प्रोडक्ट्स आर वीगन? ओके सो गाइस ये वीगन है, वेजिटेरियन। सो गाइस हियर आर द ऑल लाइक ट्रीट्स एंड ऑल दैट, एंड विच कंपनी इज इट? लाडोस केकरी। लाडोस केकरी, ओके लाडोस केकरी। इट्स एन इंडियन ब्रांड। नाइस। सो गाइस स्प्रेड्स के लिए देखो ये डोनट्स। ओके 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 ओके। सो गाइस मोदक भी हैं, अभी गणेश चतुर्थी आने ही वाली है थोड़े टाइम बाद, तो मोदक वोदक भी मैम ने प्रिपेयर कर रखे हैं और पूरा अच्छा सेक्शन है ट्रीट्स का। सो गाइस ये नंबर है, कॉल कर सकते हैं, डिलीवरी अवेलेबल है। गाइस अंदर एम्बुलेंस भी आ रखी है डॉग्स के लिए, देखो पेट्स ऑन व्हील्स। नहीं पेट ट्रांसफॉर्मेशन की, एम्बुलेंस नहीं है ये, पापा कह रहे थे एम्बुलेंस है, ये ट्रांसपोर्ट के लिए है पेट्स के लिए। गाइस ये देखो कितना वेल मैनेज्ड है, जैसे वो कैंडीज नहीं होती बेबीज के लिए, मतलब जो छोटे बच्चे वगैरह खाते हैं। ये देखो डॉग्स की इतनी सारी कैंडीज, जेली कैंडीज। हाँ हाँ हाँ,
कैंडीज भी हुई हूँ सब, बताओ डॉग्स के लिए भी कैसा रहा है। नाइस भाई, ये देखो जर्मन शेफर्ड, ऐसा ही मुझे चाहिए लॉन्ग कोट में। आर्मी पर्सन, आर्मी सिंस 2022। अरे ये अच्छी भेजिंग है भाई। अभी फूड कोर्ट में आए थे कुछ खाने पीने। गाइस ये देखो अभी छोले कुलचे मंगवाए हैं, छोले कुलचे खाते हैं फिर थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि भूख लगने लग गई थी बहुत ज़्यादा और खुशबू बहुत आ रही थी यहाँ से। सो गाइस अभी इधर आए थे, इनका स्टॉल का नाम है मोंगरेल हेल्थ केयर डॉग बिस्किट्स। अच्छा मेनली बिस्किट्स में करते हैं। बिस्किट्स आते हैं, ओके ओके ओके। अच्छा तो गाइस 5 रुपीज के भी हैं, जो मतलब ऐसी शॉप से ले जाके आप लोग खरीद सकते हो। छोटे मोटे प्राइस के ही हैं, आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। जैसे कि कहीं पे भी जा रहे हो तो एक डॉग के लिए ले लिया, ऐसे ऐसे अपने लिए चिप्स वगैरह लेते हो, डॉग के लिए ये ले लिया, उसकी भी ट्रीट हो जाएगी अपनी भी ट्रीट हो जाएगी। अच्छा ये रहा, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। सो ऑल ओवर इंडिया पेन डिलीवरी ऑल ओवर है। सो गाइस ऑल ओवर है, कहीं पे भी आप इनको कॉल कर सकते हो। बड़े पैक भी हैं इनके, बड़े पैक। सो अच्छा हाँ, मेनली आप वेज में डील करते हो? अच्छा सारा वेज आता है, जितने प्रोडक्ट्स हैं सारे वेज में हैं। अच्छा सो गाइस जो भी अपने डॉग्स को हेल्दी एंड वेज खिलाना चाहते हैं, मेनली जो नॉन वेज पे नहीं रखना चाहते वो कैरी ऑन कर सकते हैं। गाइस ये देखो ग्रीन कलर की, अच्छी सॉफ्ट है ये, अच्छा मिल्क बोन है तभी सॉफ्ट है ये। मैं तो चाहता हूँ हर जगह इनका पहुंचे, क्योंकि 5 रुपए के बिस्किट से अच्छा गाइस पार्ले जी के आप ये खिला दो, ये भी 5 रुपीज का ही है। कम से कम उनको हार्मफुल प्रोडक्ट्स नहीं पहुंचेंगे, जैसे लाइक शुगर वगैरह होती है उसके अंदर, कैफीन वगैरह होती है, शुगर वगैरह होती है, वो नहीं मेनली पहुंचेगी। भाई ये देखो बीगल बच्चा, गाइस ये देखो इधर पूडल्स आए हुए हैं, दो दो तीन तीन है पूडल, और शायद बीबी भी है, बीबी भी है भाई। ये देखो बीबी भी है, कितना प्यारा सा, बड़ा सॉफ्ट है। हाँ इस बिल्कुल कॉटन जैसा, अभी पापा ने उठा लिया इसे। इसका क्या नाम था? कीमू, कीमू नाम है इसका। तो गाइस इसका जापान से आए हुए, तो कीमू टाकू का मतलब बॉय होता है लड़का, तो डायरेक्ट इंपोर्ट है। नाइस यार, बड़े अच्छी हेयर कटिंग कर रखी है, और ये टिक नहीं रहा एक ही जगह पे, रोल रोल रोल। गाइस जब मेरी डॉग्स वाले सेक्शन में आ गए, ग्रूमिंग सेक्शन में, इधर शायद से काफी सारे डॉग्स देखेंगे। बहुत भीड़ है भाई, ये देखो इतनी बड़ा इवेंट लगाया भाई। अभी बड़े मजे आए, कोई चाइनीज वाले आए उधर, वो पापा को ही देखे जा रहे थे, वो देखो हो रहा है पापा को ही देखे जा रहे थे मुड़ मुड़ के, कौन जा रहे हैं दाढ़ी वगैरह की वजह से। बाकी गाइस इधर डॉग्स यार दिख ही नहीं रहे, एक दिखा, ये देखो फ्रेंची है ना ये, हाँ ये तो गाइस वो है फ्रेंच फुल डॉग। ए पापा के साथ कितना खुश हो रहा है। इधर है गाइस डॉग सबसे, भाई इसका नाम क्रूज रख रखा है, वो फ्रेंड आ गई उसकी। तो भाई यहाँ पे सब्सक्राइबर मिल गए थे, इनकी भी पेट शॉप है, कहाँ पे? रोहिणी सेक्टर 6, रोहिणी सेक्टर 6 डॉग जिला, डॉग जिला। तो भाई इनकी भी शॉप है, इनको विजिट कर सकते हो आप, अपने ही हैं तो जानने वाले। चलो भाई मिलते हैं, मैं भाई से मिलवा लेता। अच्छा अच्छा ओके ओके। गाइस ये देखो कितनी प्यारी किटन है यहाँ पे, बिल्कुल पर्शियन वाइट, बहुत क्यूट है भाई, और नन्ही सी है ये, ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है भाई। ये देखो दो दो शिह ट्ज़ू, नाइस यार, बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉग्स आए हुए हैं। हिमालय का सेंटर गाइस, इसके तो बहुत प्रोडक्ट्स लिए हमने, बहुत ज़्यादा। भाई ये देखो ग्रूमिंग सेंटर आ गए अभी, ये पूरी लाइन है, इधर काफ़ी सारे डॉग्स मिल सकते हैं। ओ इधर भी आए हुए डॉग्स काफ़ी सारे। भाई ये देखो ग्रूमिंग करने के बाद कितना बाल है भाई, गाइस ये हेयर सेलून है डॉग्स का, वो देखो उसकी कितनी अच्छी कटिंग करी है, हमने करी है, वो देखो उसकी भी कितनी प्यारी करी है, बिल्कुल गोल बॉल बना दिया। नहीं कोई नहीं है, ये वाला सबसे प्यारा लग रहा है वाइट कलर, उधर पूडल भी है। ये देखो भाई कैसा सा दिख रहा है, बिल्कुल कटिंग होकर कितना ही स्मार्ट दिख रहा है भाई। ये देखो यहाँ का सबसे बेस्ट डॉग बता रहे हैं ये लोग, ये देखो शिट्ज़ू को कितना बढ़िया कॉम कर रखा है भाई। यहाँ पे देखो कितनी अच्छी अच्छी छोटी छोटी चेन है, मैं जर्मन शेफर्ड के लिए ढूंढ रहा हूँ अपनी, अभी से ही लेके चलूँ फिर कौन डेली आएगा लेने इतनी दूर। अरे वाह यार ये सबसे प्यारी लग रही है भाई, भाई इनके पास कॉलर बहुत अच्छे अच्छे हैं, ये देखो ये पूरा लेदर रेट में, ये पूरा लेदर का, और एक सबसे बढ़िया मुझे इनका ये लगा, ये मैरून टाइप की लेदर का, लेकिन मेरे साइज का नहीं है, जो मेरे पपी का है उसके साइज का नहीं है, एक्सेस चाहिए होगा, एक्सेस है नहीं आज अनफॉर्चुनेटली, कह रहे खत्म हो गए। बाकी गाइस अभी हम लोगों ने सारा कुछ एक्सप्लोर कर लिया था, मेनली यहाँ पे ना जो बिजनेस डीलर्स होते हैं ना, जिनको डॉग फूड वगैरह परचेज करना होता है या कुछ भी बल्क अमाउंट में अपने आगे ट्रांसफर करने के लिए, मतलब अपनी शॉप पे ले जाके फिर आगे बेचने के लिए, तो उनके लिए मेन है ये। और बाकी जिनको अपने पेट की ग्रूमिंग वगैरह करवानी होती है उनके लिए, आप बताओ इतनी दूर पैदल चल के वहाँ से आगे जाना पड़ेगा, बड़ी थकान हो गई, आए तो गाड़ी में से जा पैदल रहे हैं। बाकी भाई पेडेक्स को काफ़ी टाइम बाद हो रहा है, तकरीबन 3 साल बाद हो रहा है, 2019 में हुआ था, और 23 4 साल बाद हो रहा है भाई, 4 साल बाद काफ़ी अच्छा। उधर 19 में भी आया था मैं,
तब भी काफ़ी बड़ा हुआ और बढ़िया हुआ था। इस बार भी काफ़ी सारे नए ब्रांड्स आए हैं यहाँ पे जो, और बहुत लोग जो वीगन है मतलब अपने डॉग को वीगन रखना चाहते हैं वो लोग भी देख सकते हैं यहाँ पे कल। बाकी आप लोग यार आ सकते हो, मैं इंस्टाग्राम पे अगर डालूँ तो आ जाना जो लोग इंस्टा पे फॉलो करते हैं। कल का दिन और बचा है, बाकी हम लोग तो निकलेंगे क्योंकि सारा कुछ एक्सप्लोर कर चुके हैं, अब शाम को निकलेंगे रात तक पहुँच जाएंगे। तो गाइस आ गए हैं एग्जिट गेट पे, यहाँ से अब मेट्रो पकड़ के बस स्टैंड पे सीधा बस और फिर घर। और यहाँ पे भाई वैसे अगले साल भी होगा तो मैं सबको सजेस्ट करूँगा जो बहुत दूर से आ रहे कार से तो बिल्कुल मत आना, क्योंकि अंदर भी बहुत चलना होगा। और अगर कार अगर तुम लोग ड्राइव कर रहे हो, ड्राइवर आ रहे तो अलग बात है, अगर तुम लोग ड्राइव कर रहे हो तो भाई बिल्कुल मत आना। हम लोग बेसिकली ड्राइवर रखते नहीं है क्योंकि पापा हैं, मैं हूँ, मतलब पापा हैं और मैं हूँ, दोनों ड्राइवर हैं हम दोनों। आज यदि ड्राइव करके आते हैं लेकिन भाई ड्राइव करने का तो मतलब ही नहीं है फिर, क्योंकि मैं तो बरेली से हूँ, 250-300 किलोमीटर हो गया, 300 किलोमीटर आना 300 किलोमीटर जाना एक दिन में, फिर अंदर इतना पैदल चलना टांगे बोल जाएंगी आप लोगों की, टांगे भी और कमर भी। भाई अभी हमारे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया, ये देखो ये मेट्रो स्टेशन है और सीधा उस गेट से आए हम लोग, ठीक है वहीं पे है पेटेक्स को, यहाँ हम यहाँ से उतर के हमें लगा कि कहीं बाहर साइड पे है, तो हम वो ऑटो वाली जगह पे गए, वो हमें पूरा उधर से घुमा के लेके गया 80 रुपये लिए और जाना था यहीं पे, यहाँ से उतर के सीधा यहाँ पे। बताओ ये देखो भाई वापस उस ढाबे पे आ गए, कितना अच्छा बना रखा है। सो गाइस घर आ गए थे और बाकी अभी आ गया हूँ, मम्मी से मिल लिया हूँ। और गाइज हाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सुल्तान ने परमानेंट नहीं दिया, बहुत लोग ये समझ रहे थे कि परमानेंट दे दिया, तो वैसा कुछ भी नहीं, हम लोग जाके उससे मिलते रहेंगे, जब आना होगा तब आ जाएगा वो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और वो सुल्तान की बात यार सीरियसली मत देना, मैंने कमेंट में भी लिखा है कि परमानेंट नहीं गया, तो थोड़ा कमेंट वमेंट मेरे पढ़ा करो जो मैं रिप्लाई किया करूँ। तो चलो गाइस फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड टेक केयर।